Finally piece yourself back together now. What's your vision? हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलियाज। आज मैं आपको बताने वाला हूँ HDMI में कैप्चर कार्ड से पबजी स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, जैसा मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, इसका जो रिव्यू दिया था और छोटा सा सेटअप का वीडियो भी दिखाया था और सैम्पल वीडियो भी मैंने कर दिया था, जाके देख लीजिए एक बार। अब मैं आपको प्रॉपर सेटअप बताऊंगा, इन गेम चैट कैसे करते हैं। अगर आपके पास टाइप सी का मोबाइल है, सिर्फ टाइप सी का 3.5mm जैक में है, तभी आप कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं। ऑडियो का सिंकिंग प्रॉब्लम जो भी OBS में आपको आता है, वो सबका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा आईफोन से कैसे करते हैं। और तीन कॉम्बिनेशंस मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और तीन कॉम्बिनेशंस में जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। जितने भी अडाप्टर्स है आपके हिसाब से, बजट के हिसाब से परचेज कर लीजिए। उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो पहला मैं आपको दिखाऊंगा एडाप्टर्स, कनेक्टर्स, उसके बाद सेटअप, वीडियो लाइव का वीडियो कैसे रहेगा, ऑडियो क्वालिटी कैसे रहेगा, और लास्ट में कंक्लूजन। तो स्टार्ट करेंगे गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों देख लीजिए, यही है वो सब कुछ कनेक्टर्स जिसका आपको जरूरत है पबजी स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो गाइस, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कनेक्टर है टाइप सी से लेकर मल्टीपोर्ट, यहाँ पे चार्जिंग आप कर सकते हैं, डेटा केबल है, एडाप्टर पे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं आपके मोबाइल को, और ये जो HDMI केबल का पोर्ट है, ऑडियो वीडियो इसमें से आ जाएगा। तो 3.0 पोर्ट में हमको रखना है ऑडियो कार्ड, जो भी ऑडियो कार्ड्स है उसको हम इंसर्ट करना है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। देख लीजिए, यहाँ पे दो ऑडियो कार्ड्स है, ये जो ऑडियो कार्ड है जिसमें आपको तीन पोर्ट मिल जाते हैं, ये जो हेडफोन पोर्ट है, और ये माइक, और ये ऑडियो। जो भी कॉमन पोर्ट्स होते हैं ये जो आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप ये परचेज करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप डायरेक्टली आसानी से सुन सकते हैं गेम ऑडियो और इन गेम चैट, सब कुछ इसमें से कर सकते हैं। और इसमें से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ये यूज करना है, ये आपको मिला ये नहीं मिला, तो आपको ये दो स्प्लिटर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं आपको स्प्लिटर्स के बारे में बताऊंगा। ये जो स्प्लिटर्स है इसे हम कॉपियर बुला सकते हैं, मेल पोर्ट से लेकर दो फीमेल पोर्ट, और ये स्प्लिटर है, एक फीमेल पोर्ट है, यहाँ से आप स्प्लिट हो जाएगा, और ये जो ऑडियो है और ये माइक है, ये जो स्प्लिटर है और ये कॉपियर है। तो इसका दो का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको ये मिल गया, इसकी आप यूज करना चाहते। तो अगर आपने ये जो परचेस कर लिया ऑडियो कार्ड, जो भी यहाँ पे ट्रिपल पोर्ट वाला, यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं, डायरेक्टली इन गेम चैट कर सकते हैं और ऑडियो को सुन सकते हैं। तो सिस्टम पे ऑडियो आप भेजना हो तो इसे कनेक्ट करना, जो भी ऑक्स केबल आपको लेना पड़ेगा, एक ऑक्स केबल पे यहाँ पे इंसर्ट करना, और दूसरा जो भी है वो लैपटॉप या पीसी पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, थोड़ी देर में आपको सेटअप भी दिखा दूंगा, फिर से आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन। ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, एक और ये जो दो मिला के एक कॉम्बिनेशन हो गया, और उसके बाद दूसरी कॉम्बिनेशन है ये, जैसा आप देख सकते हैं एक दूसरी कॉम्बिनेशन है, और तीसरी कॉम्बिनेशन है ये जो एल्गाटो चार्ट लिंक। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे आपको ट्रिपल बैंड का मिल जाएगा पोर्ट, माइक और स्पीकर्स लेफ्ट राइट चैनल्स, और यहाँ पे एक फीमेल पोर्ट है, दूसरा एंड है वो एक ड्यूल बैंड वाला, जैसा कि इसमें आप ऑडियो लगा सकते हैं। तो ये दो मिलके एक तीसरी कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसे कैसे कनेक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन को, ये भी आपको मैं बता दूंगा। इसी तरह इंसर्ट कर लीजिए, जैसा आपने इसमें इंसर्ट किया तो आपको इसमें से सिर्फ वीडियो जाएगा, ऑडियो इसमें से आएगा, तब जाके यहाँ पे आपको ईयरफोन्स कनेक्ट करना है। आप समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ से आएगा ऑडियो, गेम का ऑडियो और इन गेम चैट, सब कुछ आप इस ईयरफोन से कर सकते हैं। यहाँ पे माइक है ना, इसमें से आप इन गेम चैट कर सकते हैं, ईयरफोन से आप ऑडियो सुन सकते हैं। तो गाइस, फिर भी यहाँ से हम वीडियो भेज दिया था OBS पे, अब हम ऑडियो को भेजना चाहिए। OBS को ऑडियो भेजने के लिए हम ऑक्स केबल की इस्तेमाल करेंगे। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पे जो भी ऑडियो का सिंबल है उसमें मैं ऑक्स केबल इंसर्ट कर रहा हूँ, और ये बीच में जो भी है वो माइक का पोर्ट है, उसकी कोई जरूरत नहीं हमको। यहाँ पे हम एयरफोन्स रख दिया, यहाँ पे हम ऑक्स केबल रख दिया,
जो भी दूसरी एंड है उसे हम लगाएंगे लैपटॉप पे। जो भी आप व्यूअर से बात करना चाहते हैं तब जाके आप पीसी या लैपटॉप में माइक को रख लेना पड़ेगा। जो भी लैपटॉप में तो रहेगा डिफॉल्ट माइक वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक सेपरेट माइक आपको पीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके यूट्यूब में व्यूअर्स के साथ बात कर सकते हैं। सो गाइस, दूसरी कॉम्बिनेशन में सब कुछ सेम है। दूसरी जो भी साउंड कार्ड है उसकी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे दो पोर्ट्स है, मैं यहाँ पे कॉपियर इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे माइक का पोर्ट है और ऑडियो का पोर्ट है, यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट करूंगा और कॉपी कर दूंगा, और एक पोर्ट से ऑक्स केबल हम लगाएंगे, और दूसरी दो पोर्ट्स में मैं ये जो स्प्लिटर है इसको इस्तेमाल करूंगा। ये जो ऑडियो वाला पोर्ट है हम इस पे रखेंगे, क्योंकि ये जो स्प्लिट हुआ है, एक जो जाएगा पीसी के तरफ एक जो आएगा हमारे तरफ, तो दूसरी एंड यहाँ पे हम रख देना चाहिए। यहाँ पे हम ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये है सेटअप, मैं आपको क्लियर से फिर से समझाऊंगा। इस ऑडियो कार्ड में यहाँ पे आपको स्प्लिट करना है ऑडियो को, एक जो स्प्लिट करना है वो जो जाएगा पीसी की तरफ, और दूसरा जो स्प्लिट किया है और यहाँ पे माइक है, ये दो मिलके आपको इसमें आ जाएगा। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे हम इन गेम चैट और माइक इस्तेमाल करके इन गेम चैट कर सकते हैं और ऑडियो भी सुन सकते हैं। ये है कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन में आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इसे। इंसर्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे हेडफोन का पोर्ट है उसमें हम इसी को इंसर्ट करना पड़ेगा। ये जो ट्रिपल बैंड, जो भी तीन बैंड है इसे, इसे हम इसमें इंसर्ट करेंगे। जो भी यहाँ पे ये फीमेल पोर्ट है इसमें हम ईयरफोन्स को रखना पड़ेगा, तब जाके हम ऑडियो भी सुन सकते हैं और इन गेम चैट भी कर सकते हैं। ये जो दूसरी एंड है इसे हम अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा ऑडियो कार्ड के साथ। तो गाइस जैसे भी आप यूज कर लीजिए, जो भी आप कर लीजिए, सब कुछ एक ही रिजल्ट है। ऑडियो तो ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा गड़बड़ है ऑडियो में, फिर भी चलेगा। ये जो बजट वाली पबजी स्ट्रीमिंग सेटअप में ऐसे ही रहता है। अगर आपको प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग करना है तो एल्गाटो लेना पड़ेगा, उसमें भी आपको इसकी इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपके पास सिर्फ टाइप सी पोर्ट है। तो गाइस मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, क्लियर से समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। आपको दो ऑडियो कार्ड की जरूरत है तो देखो क्लियर से। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखा रहा हूँ OBS की सेटिंग्स, बहुत सिंपल है। फर्स्ट आपको वीडियो को ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस आइकन पे क्लिक करो, उसके बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस, जब आपको ओके दबाएंगे आपको दिख जाएगा USB वीडियो, ओके पे क्लिक करना, उसके बाद स्क्रीन को एडजस्ट कर लो जैसा आपका लैपटॉप का स्क्रीन है, एडजस्ट कर लो। उसके बाद अब हम ऑडियो को ऐड करना पड़ेगा। आप देख लीजिए जो भी ऑडियो कार्ड आपने इंसर्ट किया है USB में उसे सेलेक्ट करो, USB PNP डिवाइस, ओके पे क्लिक करना, तो चेक कर लो आउटपुट, और मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो आवाज बाहर आ जाएगा। तो गाइस अब देख लीजिए वीडियो ऑडियो OBS में आ गया है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा इन गेम चैट, जो भी माइक है उसे एनेबल करके आपको दिखाऊंगा ऑडियो का लेवल्स। आप देख लीजिए और क्लियर से समझ लीजिए। ये जो प्रूफ है मोबाइल के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक्चुअली ऑडियो तो बहुत अच्छा आ रहा है। आप ऑडियो बूस्ट भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके आप +5 +7 डेसिबल्स को बढ़ा के ऑडियो बूस्ट कर सकते हैं, ऑडियो लो इश्यू भी नहीं आएगा आपको, देख लीजिए।
तो देखो गाइस ये जो लेवल्स बढ़ रहे हैं, मैं अब फायरिंग करके भी दिखाऊंगा, लेवल्स बढ़ते रहता है। तो ऑडियो तो आ रहा है, तो फाइनली गाइस हम माइक को ऐड करना पड़ेगा। जो भी माइक आपके लैपटॉप में है उस माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक सेपरेट माइक भी आप उसे अटैच करके यूज़ कर सकते हैं, व्यूअर्स के साथ आप बात कर सकते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए सिंपल, जो भी प्लस आइकन पे क्लिक करो, उसके बाद ऑडियो इनपुट कैप्चर पे जाना, उसके बाद उसमें आप जो भी माइक्रोफोन है रियलटेक का ड्राइवर रहता है डिफ़ॉल्ट, उसे सेलेक्ट करो, बस हो गया, उसे रीनेम कर दो माइक, जैसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आसानी से माइक को यूज कर सकते हैं और स्ट्रीम कर सकते हैं। हो गया सब कुछ, मैंने आपको एडाप्टर्स और कनेक्टर्स के बारे में समझा दिया और कॉम्बिनेशंस के बारे में भी आपको दिखा दिया। तो लाइव सेटिंग्स जो भी ओबीएस का है वो सब कुछ हो गया। तो आप डिसाइड कर लो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना है, कौन सा आपको परचेस करना है। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, एक्चुअली जो भी वीडियो है सब कुछ बढ़िया है, वीडियो का क्वालिटी हो 30 FPS में, फुल HD में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऑडियो डिपार्टमेंट में जो भी ऑडियो का आउटपुट आ रहा है उसमें थोड़ा दिक्कत है। जब जब आपको ऑडियो का जो डिस्टर्बेंस आएगा, फिर भी ये तो कॉमन है, बजट का सेटअप में एक टेम्प्रेरी सेटअप है। अगर आपको प्रोफेशनली करना हो तो आप एल्गार्डो पे शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो आईफोन यूज़ कर लो, तब जाके आपको अच्छा सा लाइव स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों आईफोन के लिए ये सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको एक परचेस करना एक्स्ट्रा, जो भी लाइटनिंग पोर्ट से टाइप सी फीमेल पोर्ट होता है उसे आप परचेस कर लो, ये जो मल्टी पोर्ट है उसे एक छोटा सा एडाप्टर अटैच कर लो, बस हो गया, आप आईफोन में भी सेम इसी तरह स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपका जितने भी डाउट्स है सबका डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ भी है तो नीचे कमेंट करो, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो गाइस आप ये सोचना मत कि एल्गार्डो का ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इसमें आ जाएगा, ये जो कैप्चर कार्ड है एक बजट रेंज का कैप्चर कार्ड है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, अगर आप उस लिंक से परचेस करेंगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।